हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। जो लोग नए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब करके पुराने बन जाएं, बिकॉज वी ऑल नो दैट ओल्ड इज़ गोल्ड। इस चैनल पे आपका काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो हो गया, प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स हो गया, सारा आपके लिए बेनिफिशियल कंटेंट आता रहता है। ऑलरेडी मैंने जोसा के ऊपर वीडियो बना रखा है, जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर, सी सैब स्पेशल राउंड जो होता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे कंफ्यूजिंग सवाल होता है लोगों के मन में, कि आखिर हम ब्रांच कौन सा चूज करें, हायर कॉलेज में लोअर ब्रांच में जाएं या लोअर कॉलेज में हायर ब्रांच में जाएं, उस पर भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ आपका, आपका आई बटन में ऊपर आ रहा होगा, उसे तो एक बार जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। आपका काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी सारा इन्फॉर्मेशन था, मैंने कई सारा ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी डिटेल्ड वे में शेयर कर रखा है। तो अब इस वीडियो में जो भी थोड़ा कुछ बात बच गया, तो आप कह सकते हैं फाइनल ओवरव्यू हो गया या फिर आपको एक फिनिशिंग टच मिलने वाला है इस वीडियो में। और ये खास करके उनके लिए है जो काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करें, लिस्ट कैसे प्रिपेयर करें, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगा आपको। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है आपको खुद को काउंसलिंग के लिए। तो पहला बात आपका कि बढ़िया से एक फ्रेश कॉपी निकाल लीजिए, फ्रेश कॉपी नहीं तो पेज निकाल लीजिए। जितना भी IITs, NITs या IIITs जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, उसका पूरा का पूरा लिस्ट नेट से सर्च करिए, टोटल NITs इन इंडिया जो भी है, ठीक है, सब का लिस्ट एकदम पेपर पे लाइन बाय लाइन छाप दीजिए। NIRF रैंकिंग वाइज आप लिखना चाहते हैं तो उस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, NIRF के वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से आप लिस्ट निकाल करके सारा का सारा आप जो भी मिल रहा है वो ऑर्डर वाइज आप लिख लीजिए। दूसरा काम क्या करना है आपको, जो भी आपने लिस्ट प्रिपेयर किया उसमें हर एक कॉलेज का आप सर्च करके देखिए कि कट ऑफ क्या गया उसका पिछले 2 सालों में, और वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये ध्यान रहे कि केवल जोसा का कट ऑफ नहीं दिखी है कि हाँ भाई राउंड 7 तक कितना कट ऑफ गया, स्पॉट राउंड जो आपको होता है, स्पेशल राउंड सी सैब, उसका भी कट ऑफ दिखेगा और नोट करते चलिएगा। तो इतना करने के बाद अब आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा रैंक क्या है और मेरे रैंक में कौन सा कॉलेज हमको मिल सकता है या फिर कौन सा ब्रांच मिल रहा होगा। तो उसमें से जो आपके रैंक के अराउंड में जिन कॉलेज का कट ऑफ होगा उनका नंबर आई थिंक 5 या 7 के लगभग आपका वैरी करेगा, या फिर 10 हो सकता है। तो अब जो भी कॉलेज आपका निकल करके आया, 5 से 7 कॉलेज या 10 कॉलेज भी, उसको आप अलग से एक फ्रेश पेज में आप लिख लीजिए। तो 2 लिस्ट आपका बन चुका है अभी तक यहाँ पर, एक जो आपको मिलने वाला है और एक जो आपका पूरा का लिस्ट था। और मैंने पहले ये भी बोला है कि आप उन कॉलेज का ऑर्डर जो है शुरुआत में आप NIRF रैंकिंग वाइज उसको रहने दीजिए। अब अगला काम क्या आता है आपका यहाँ पर, कि जो भी कॉलेज आपने लिस्ट आउट किया है, केवल उन कॉलेजेस का जो 5 से 7 कॉलेज थे उनका अब आप देखिए कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका प्लेसमेंट कैसा है वहाँ का। और अगर किन्हीं को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो वो रिसर्च का भी फैसिलिटीज़ वहाँ देख सकते हैं। पर ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली NITs में रिसर्च तो होता है, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिसर्च का फैसिलिटीज़ जनरली NITs में नहीं होता है। क्योंकि यार मेरा बात होते रहता है IITs वालों से भी, IISc बैंगलोर हो गया वहाँ पर भी जो लोग हैं, या फिर IISER हो गया आपका वहाँ पर भी, और NITs में भी, तो मुझे मालूम है कि कहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज़ का क्या क्या अंतर आता है। तो चलिए इन सब फैक्टर्स पे आप गौर करिए जो भी कॉलेज आपका लिस्ट आउट हुआ है, और उन सब बेसिस पे आप खुद से उन कॉलेज का रैंकिंग तैयार करिए। कि आपका जो जो कंसिडरेबल फैक्टर है, किन्हीं का लोकेशन भी फैक्टर हो सकता है कि नहीं भाई, किन्हीं को घर के पास रहना होगा, किन्हीं को घर से काफ़ी दूर जाना होगा, किन्हीं को साइनस वगैरह या टॉन्सिलाइटिस वगैरह का प्रॉब्लम होगा तो वो ठंडे रीजन में नहीं जाना चाहेंगे। तो इस तरह से आप कैंपस हो गया, इंफ्रा हो गया, और खास करके प्लेसमेंट हो गया, इन बेसिस पे आप उन कॉलेज का जो आपने लिस्ट आउट किया उनका आप खुद से एक रैंकिंग तैयार करिए। और जब आपका रैंकिंग तैयार हो जाएगा तो आप ये देखिए कि कौन से कॉलेज के कौन से ब्रांच को आप ऊपर या नीचे रखना चाहते हैं। ब्रांच रिलेटेड मैंने जो बोला कि वीडियो आपका बना हुआ ऑलरेडी, एक बार जरूर देखिएगा उसे, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको उससे, कई कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ब्रांच ऊपर रखे कौन सा नीचे रखे। और एक बेस्ट तरीका ये भी होता है कॉलेज को जज करने का कि आप उसके अदर स्टेट का क्लोजिंग रैंक देख लीजिए। अगर बच्चे वहाँ पे ज़्यादा जाना चाह रहे हैं तो जनरली यही होता है कि कॉलेज में कुछ खास बात है, कुछ अच्छा फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, तभी वहाँ बच्चे जाना चाह रहे हैं। तो जिस कॉलेज का आपका कट ऑफ रैंक आपका अदर स्टेट का देख लीजिए हाई अगर जा रहा है, तो आप एक समझ सकते हैं, जनरली आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई बढ़िया चीज़ है वहाँ पर कुछ। पर ये ध्यान रखिए कि कट ऑफ इस चलते भी आपका हाई हो सकता है, क्योंकि अगर सीट ही वहाँ पे कम हो में भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि सीट कम होगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ आपका हाई चला जाएगा। और जिनको कट ऑफ वगैरह देखने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी एक वीडियो बना हुआ है आपका, ऑल NITs कट ऑफ करके आपका आई बटन में आ रहा होगा, उसे आप देख सकते हैं। तो भैया मतलब इतना सारा रीजन है चैनल को सब्सक्राइब करने का, तब और आप क्या ढूंढ रहे हैं। और आगे कुछ भी बेनिफिशियल कंटेंट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, तो वो मैं आगे भी आपके लिए लाता ही रहूँगा। तो इन सब बेसिस पे आपने खुद का रैंकिंग तैयार कर लिया कि कौन सा कॉलेज को क्या प्रेफरेंस देना है, और जो भी अब आपका रैंकिंग तैयार हुआ होगा उसी को आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग में फिल करना है। और यहाँ पर एक और बात ये रह जाता है, कई लोग करते क्या है, जितना भी कॉलेज का लिस्ट है सब में दिमाग खपाएंगे। अगर उनको मिलने वाला NIT मान लेते हैं, मिलने वाला NIT जालंधर है या फिर
कोई भी NIT रायपुर मान लेते हैं और वो दिमाग खपाएंगे कि नहीं NIT त्रिची अच्छा है, कि NIT वारंगल अच्छा है, कि NIT सूरतकल अच्छा, उधर वो दिमाग खपा रहे हैं और मिलने वाला उनको कुछ और है। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना, और इस वीडियो का मेन मकसद भी आपका यही है कि ज़्यादा आपको हाथ पैर नहीं मारना है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि आप एक कट ऑफ अपना देख लीजिए, कौन कौन सा पॉसिबिलिटीज़ है जो आपको मिल रहा है और आप वहाँ पर जाना चाहेंगे। कई ऐसे बच्चे होंगे जो किसी खास लोकेशन वाले NIT पर नहीं जाना चाहेंगे, तो वो आपको पहले ही बाहर हो जाएगा। पर आपके कट ऑफ के रेंज में जो जो NIT है उसको आप लिस्ट आउट कर लीजिए। अब उसमें आप पूरा का पूरा पहले दिमाग लगाइए कि हाँ कौन सा NIT को ऊपर रखें और कौन सा ब्रांच को ऊपर या नीचे रखें। और ये सब कर लेने के बाद जब आप उन 10 NITs को आप बेस्ट तरीके से एनालाइज कर लिए, रैंकिंग कर लिए जो आपको मिलने वाला था, उसके बाद जो बाकी NITs बच गया कि NIT त्रिची हो गया, वारंगल हो गया, या जो भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अब उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है बॉटम ऑफ द हट कि वो मिलने वाला नहीं है। कोई करिश्मा ही हो जाएगा तो मिल सकता है, क्योंकि आपको उतना रैंक ही नहीं तो वो कहाँ पे मिलेगा। तो उन सब कॉलेज के बीच में आपको दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं है। बस आपको यही करना है कि आपका जो प्रायोरिटी था उसको पहले भर दीजिए आप, उसके ऊपर में ये जो टॉप के NIT जो कुछ थे जो भगवान भरोसे एकदम बहुत बढ़िया लग चमक गया तो मे भी मिल जाए, वो उसको आप कैसे भी कोई भी ऑर्डर में डाल दीजिए, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसमें दिमाग नहीं खपाना है कि उसमें क्या ऑर्डर करें, और इस चलते जो मिलने वाला है उसमें आपको ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा। इस तरह से आपको दो पार्ट में काम करना, एक जो आपको मिलने वाला है उसमें एकदम अच्छे से रिसर्च करके खुद का रैंकिंग बना करके, मैंने फैक्टर्स आपको मेंशन कर दिया कौन कौन से फैक्टर्स पे आप सोच सकते हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग आप बना लीजिए और वही प्रायोरिटी आपको भरना है चॉइस फिलिंग में। और उनके अलावा जो कुछ टॉप NITs हो गए जो मिलने का चांस नहीं है, पर उसको कोई भी ऑर्डर भर दीजिएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आपको नहीं मिलने वाला था उसी में आप दिमाग खर्च कर दीजिए, क्या रैंकिंग करें, वारंगल के ऊपर रखें कि त्रिची के ऊपर रखें, और जो मिलने वाला था उसमें प्रॉपर दिमाग ही नहीं लगाएं, और आपका उल्टा का पुल्टा हो जाता है बच्चों का इसी में काउंसलिंग, जो अच्छा कॉलेज मिल सकता था वो भी नहीं मिलता है। तो बस इतना ही था वीडियो में। एक और आपका वीडियो है लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन जोसा, और एडमिशन के लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस ना हो जाए, आपको मालूम ना हो कि वो डॉक्यूमेंट भी आपको जरूरत पड़ता है एडमिशन के समय या जोसा में, उसका भी एक वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में भी आपका होगा, उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो आगे भी जहाँ भी आपको हेल्प का जरूरत होगा मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहूँगा। बस आप भी मुझे अच्छे से हेल्प करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।